नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को पूरी उम्मीद है कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर जीत का परचम लहरा देगी। बीते कई मौकों पर अखिलेश यादव सभी 10 सीटों का जीतने का दावा भी कर चुके हैं। हालांकि उनके अपने ही अब पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, न सिर्फ सपा की बल्कि यूपी में उनके सहयोगी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। जी आपको बता दें, बीते 4 दिनों में सपा के 2 प्रमुख नेताओं ने अलग अलग बयान देकर अपनी पार्टी और मुखिया को असमंजस में डाल दिया है। ये 2 प्रमुख नेता हैं, गाजीपुर से लोकसभा सांसद अफजल अंसारी और अमरोहा से विधायक महबूब अली। दोनों के खिलाफ क्रमशः गाजीपुर और बिजनौर के सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी यानी FIR दर्ज की गई है। हालांकि अभी तक सपा के चीफ की ओर से दोनों को लेकर और उनके बयानों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें अफजल अंसारी ने क्या कहा, पहले वो जानते हैं। आपको बताएं, दरअसल 26 सितंबर को गाजीपुर में अफजल ने कहा कि लाखों लोग गांजा पीते हैं और इसे भगवान का प्रसाद माना जाता है। अगर गांजा भगवान का प्रसाद है तो इसे अवैध क्यों नहीं माना जाता। उन्होंने कहा था कि कई साधु संत और महात्मा समाज के लोग गांजा का सेवन करते हैं। कुंभ मेला के दौरान यदि वहां एक मालगाड़ी गांजा भी भेज दिया जाए तो भी कम खत्म हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। सांसद ने कहा कि लखनऊ में भी बड़े बड़े लोग गांजा पीते हैं, इसलिए भांग की तरह सरकार को इसे भी लाइसेंस दे देना चाहिए। गाजीपुर में गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद ने कहा कि अगर शराब और भांग को कानूनी दर्जा प्राप्त है तो गांजे को भी वैध कर दिया जाएगा और हम कहते हैं कि गांजा को कानून का दर्जा देकर वैध कर दो। लाखों की संख्या में लोग खुलेआम गांजा पी रहे हैं, धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, इसे भगवान का प्रसाद और बूटी समझकर सेवन करते हैं। आपको बता दें अफजल अंसारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। उसके पहले अफजल के बयान पर किसने क्या कहा वो बताएं। आप पहले अफजल की ये वीडियो देख लीजिए, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं अफजल अंसारी। हम आपसे पूछ सकते हैं, आप बताइए ये गांजा को हम कहते हैं क्या आप कानून का दर्जा दे के इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखोल क्यों उड़ाते हो। लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई, ये दोहरी नीति क्यों। अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है तो उसको कानून में मान्यता दो, कानून में अवैध और पीने के लिए छूट, भका भक। तो इसको माना जाए कि आप गांजा के लिए कह रहे हैं। हम कह रहे हैं, लुका के क्यों पी रहे हैं। इसको ये देश प्रदेश की राजधानी में भका भक एक एक बिट्टा लवर निकल जा रही है। गाजीपुर जिले में भी वही हो रहा है, कौनो मठ में चलो ना, हमारे संग हम दिखा दें। हम कह रहे हैं कि अगर भगवान शंकर की वो बूटी और प्रसाद है भांग को, क्या समाज में किस तरह से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। भांग 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 साहब एकदम, ये तो प्रसाद बात। अब भांग का लाइसेंस मिलेगा लेकिन गांजा को तो लाइसेंस भी नहीं है, ये ऐसी अवैध चीज है। लाखों करोड़ों, अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से, और या तो उसको छूट प्रदान करिए। हमारी मांग है कि बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं और कहते हैं साहब इसको पीने से भूख भी लगती है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है, तो इसको हमारी मांग लगा के आप न्यूज चला दीजिए कि मेरी ये मांग है कि इसको कानून का दर्जा दे दो भैया। तो
तो देखा आपने किस तरीके से अब उनका ये बयान वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें अखिल भारतीय समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने जो कुछ भी कहा वह अमर्यादित है। प्रयागराज में किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने केंद्र और राज्य से कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि सपा चीफ अखिलेश यादव अफजाल को पार्टी से बाहर निकाले। महबूब अली ने क्या कहा ये भी आपको बताते हैं। दरअसल 29 सितंबर को यूपी के बिजनौर में समाजवादी पार्टी के संविधान मानव स्तंभ दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए सपा विधायक और पूर्व मंत्री महबूब अली ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने सियासी हलचल भी पैदा कर दी है। जी हां, आपको बता दें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब भाजपा की सरकार जाने वाली है क्योंकि प्रदेश में मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है, इसलिए अब भाजपा के जाने का समय आ गया है। इंशाअल्लाह 2027 में हमारे आने का समय आ गया है और यह तय है कि अब भाजपा सत्ता में लौट नहीं पाएगी। महबूब अली ने कहा कि जो काम 850 साल तक हुकूमत करने वाले मुगल भी नहीं कर पाए वो काम ये क्या कर पाएंगे। सपा विधायक महबूब अली ने कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ी तो तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। मुगलों ने देश में 800 साल तक राज किया, जब मुगल नहीं रहे तो तुम क्या रहोगे। 2027 में तुम जरूर जाओगे और हम जरूर आएंगे। यूपी चुनाव में होगा इसका असर, आइए ये भी जानते हैं क्या चुनाव में असर देखने को मिलेगा। जानकारों का मानना है कि सपा नेताओं के इस बयानों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है और इसको ना सिर्फ बल मिलेगा और ना ही सिर्फ अफजाल अंसारी महबूब के बयान के आधार पर बीजेपी नेता जनता का यह संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि सपा किस आधार पर चुनाव जीतने की जुगत में है और उसके वादे जो है वो फिजूल है। वहीं बीजेपी नेता इन बयानों के आधार पर यह भी बताने की कोशिश करेगी कि सपा नेता मुस्लिम मतों के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ये जो लड़ाई है वो दो तरफा हो गई है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर जो राजनीति करती नजर आ रही थी, अब उनके नेता इस तरीके के बयान देकर ही अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसका फायदा अखिलेश यादव को मिलेगा या नुकसान मिलेगा। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से ज्यादा सीटें निकाली उसके बाद ये माना जाने लगा था कि अखिलेश यादव फिर से इस बार के उपचुनाव में जीत का परचम लहरा देंगे, लेकिन अब अफजाल और महबूब अली के बयान आने के बाद लग रहा है कि अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा और इसका कितना फायदा उनको मिलेगा कहीं ना कहीं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल अफजाल अंसारी और महबूब अली ने जो कहा है उनके बयान में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, क्या वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ